ये देखिए वेट देखने आप, तो हर चीज़ के निज़ाम में इधर भी वेट लगाया है, डबल साइड भी बनी है। हाँ जी डबल साइड, यानी कि ना पूरा प्रॉपर। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, बेहतरीन होंगे। आप लोग कहते हैं कि इंट्रो घर में किया कर भाई, लो इंट्रो घर में हो गया। हम जा रहे हैं सीधा अपने न्यू घर पे, वो जाके दिखाते हैं, उसकी अपडेट्स बताते हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या मामला आते हैं। चलो फिर आगे सीधा न्यू घर पे अपडेट्स देते चले आपको। फोन स्लिप हो गया मेरा, ये देखें जी अपडेट्स, प्लस्तर की अपडेट्स देते चले आपको। लाइट्स वगैरह लग रही हैं, ये उसके पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपको दिखाते चलें क्या क्या हो रहा है। हाँ जी कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? ऐसो कितने दिन लग जाएंगे प्लस्तर में, कितने दिन लगेंगे प्लस्तर में, प्लस्तर ही प्लस्तर में? अरे देख रहे हो, ये जब मिस्त्री लगते हैं ना, ये जान भी नहीं छोड़ते, इनको लगाना सोखा है, भगाना औखा है, समझ आ रही है? ये देखें कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो बैठी है आपकी, दिखाते चले आपको अपडेट्स। अब्दुल्ला के घर भी चलते हैं, उससे भी मिलते हैं, गपशप करते हैं, उससे पहले अपडेट्स देते चले क्या क्या रह गई है, क्या क्या हो गया है। देखने हैं आप लोग, पोर्श जो है ना, दो गाड़ियां आप खड़ी कर सकते हो, दो भी खड़ी कर सकते हो, वैसे तो दो तो बड़ी आ जाएंगी। ये देखें प्राडो वगैरह, दो बड़े प्राडो आ जाएंगे, यानी कि इतना बड़ा गैराज छुड़वाया है। ये देखें नज़र आ रहे हैं, बस हो रहे हैं अभी, तो बस यही चलता रहेगा। फिर अभी आपको लेट वीडियो दूंगा, अब ना अभी आप लोग देख लें, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो ना थोड़ी सी लेट दूंगा, ताकि थोड़ा सा चेंजिंग तो आए। अब एक ही चीज़ तो मैं दोबारा नहीं बता सकता आप लोगों को, समझे? बोर नहीं करते हम भाई दोस्तों को ना, ऊपर कभी दिखाते चले कि ऊपर क्या है, फिर इंशाल्लाह आपको बाद में दिखाएंगे। रमान साहब कैसे हैं आप? चले ऊपर में चलते हैं, अंधेरा हो गया जी, उजाला भी कर लेंगे, इस कौन सी बात है। टेरेस देखें आप, टेरेस बहुत ही बड़ा बनवाया है, आराम से हम आउटिंग शाउटिंग होगी, इधर से भी वाशरूम आ जाएगा, इनके बाहर से टेरेस है, वो खड़ी है अपनी साबुनदानी। बाकी और भी घर बन रहे हैं, देखते चले आप पूरी। ये भुज की एक्सटेंशन कटी है अभी ना, भुज के अंदर ही है ये ना, साइड पे बिल्कुल थोड़ा सा, वापसी में दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन से मामला आते हैं। बल्कि ये देखें इधर से देख रहे हैं आपको, ये भुज है, भुज ने अभी ना साइड से एक रोड काटा है, इधर से ये वाली दीवार भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, ये दीवार इधर से ख़त्म हो जाएगी, फिर हम रोड से सीधा हमारा पहला घर है। ये घर लेने की वजह भी यही थी कि ये दीवार ख़त्म हो जाएगी और ये सामने से आप टर्न करेंगे, ये सामने वाला घर है अपना, इस वजह से ये डिसीजन लिया था इस वाला प्लॉट लेने के ना। बाकी देखते चलें और इससे भी ऊपर ले चलते हैं थर्ड पे, अच्छा सामान छड़ा छड़ा। बाकी यार लेंटर लगे पड़े, मैं नहीं जा रहा ऊपर, कपड़े ख़राब होंगे गाइस। चलते हैं अब्दुल्ला के पास, अब्दुल्ला कहते हैं कुछ खिलाए हमें, अब्दुल्ला शेख पुत्र है हमारा, लेकिन उसको कहता है कुछ खिला भाई। इधर से भी देखते चल रहे, यानी कि ठेकेदार वगैरह सारे लगे हुए, कंस्ट्रक्शन हो रही है, सोसाइटी है ये सारी, इंशाल्लाह 4-5 महीने लगेंगे इसको होने में, जब तक सोसाइटी और डेवलप हो जाएगी। यानी कि भुज का ही हिस्सा ही है, भुज के अंदर आता है। आपसे मैं आपको गाइड करता हूँ, फिलहाल भूख लग रही है, अब्दुल्ला को पकड़ते हैं, या वो हमें कुछ खिलाएगा या हम उसको कुछ खिला देंगे, दोनों में से एक काम कर लेंगे। हमारे साहब के भाई ने किया कोई नहीं यार, गैस आ नहीं रही थी, अंडे शंडे कुछ भी नहीं खाई, खाली पेट ही घूम रहे हम। मैंने कहा चलो आपको दिखाते चलें, अभी इधर आते हैं तो फिर अब्दुल्ला से मिलना, तो फिर आपको पता हमारा फ़र्ज़ है। ये देखिए बड़े बड़े घर बन रहे हैं, जैसे देखें नक्शा तो आप लोगों ने पहले भी देखा था, आप लोगों को पता ही था नक्शे का ना। बाकी ये भी घर बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि दो दो पोर्श है ना इसके अंदर, एक पोर्श एक वो पोर्श वो, एक ही बंदे के होंगे दोनों, या फिर अलग अलग होंगे। चलो रहमान साहब चलें, चलें गाइस आपको दिखाते हैं। ये देखते चलें आप लोग ना, ये हम लेफ्ट टर्न लेंगे और वो सामने रोड आ जाएगा, वो सामने स्कूल है भुज का, बच्चों का इब्राहिम वगैरह यहीं पढ़ते हैं, लूमफील्ड स्कूल है, और इधर से हम बाहर निकलेंगे, ये रोड आ गया, ठीक है। ये भुज ने ही अपनी सोसाइटी यानी कि एक्सटेंशन काटी है, और ये आ गया घोड़ा चौक, ठीक है।
ये है जी, ये हम उस मेन रोड पर आ गए जो मैं आपको बता नहीं रहा था कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो सामने वाला घर पहला हमारा होगा। वो कौन सा है? एक तो ये वाला रोड है, ये हाथी वाला जो है ना घर, ये हाथी चौक कहते हैं, ये देखिए वो वाला घर है अपना, वो सामने वाला पहला। ये दीवार सामने से हट जाएगी और हमारा फिर रास्ता यहाँ से हो जाएगा। ये देखें मेन बुलीवार्ड है, मेन बुलीवार्ड से लेफ्ट होंगे और मत्थे वाला घर हमारा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी चल रहे हैं सीधा अब्दुल्ला साहब के पास, अब्दुल्ला साहब को पकड़ते हैं क्योंकि इन्होंने अभी दो तीन दफा ना गेड़े दिए हैं, ये गायब हो रहते हैं, आज इसकी फेंटी भी लगाते हैं। कौन कौन भाई मिस कर रहा था अब्दुल्ला को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उससे पहले अंडर पास इंजॉय करते हुए हम दोनों, ये मज़ा आता है गाड़ी जब नीचे और ऊपर जाती है ना, बड़ा मज़ा आता है। अब्दुल्ला के घर, पता नहीं अब्दुल्ला अंदर है नहीं है, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल तो खड़ी है, मोटरसाइकिल नहीं रैप्टर, उसका रैप्टर चलाए, पता नहीं अंदर है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आओ इधर आओ, इधर आओ, अब्दुल्ला कहाँ है? इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ चले फिर उसको लेने चले, इधर आओ, आओ लेने चले, जल्दी आओ, आओ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, चला जल्दी जा जाओ, आ जाओ, पहले लग गया कहाँ भैया है? बाहर है भैया, कहाँ है भैया का बच्चा? वाह आ गया, हम लगाएंगे इसकी फैंटी, खड़ी हो जाए यहाँ, खड़ी हो जाओ, पकड़ लो जाओ। कहाँ गए थे? बस खेल रहा था, नमाज पढ़ के। हाँ क्या नमाज पढ़ के आए हो? हमारे बच्चे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हम भी नमाज पढ़ते और हमारे बच्चे नमाज पढ़ते हैं। क्या खिला रहे हो? आप बताओ क्या खाओगे? भूख लग रही है बड़ी जोर की। आ जाओ, हम अब्दुल्ला से सिर्फ खाने आए हैं ना गाइस, हम सिर्फ अब्दुल्ला से कुछ खाने आए हैं। कहाँ चले? क्या खिला रहे हो अब्दुल्ला? आप बताओ क्या खाओगे? पूछ क्या मम्मा से, मम्मा ने क्या बनाया? हम भूखे हैं। है मरियम, क्या नाम है तुम्हारा? पूछ, चले कुछ खिला रही हो तुम? क्या खिला रही हो तुम? क्या खिला रही हो पहले ये बताओ। अब्दुल्ला कह रहे जी बाहर ना जाओ, आप घर में खाना खिला देते हैं आपको, और ये मैडम का तो आपको पता ही है। अच्छा अच्छा, अब्दुल्ला कह रहे जी बाहर ना जाओ, क्या खिला रहे भाई? अब्दुल्ला ने फिश बनवाई है और जी क्या नाम है इसका, शामिया बनवाई है। अब्दुल्ला में साथ बैठ के खाएंगे, ये बाहर नहीं लेके जा रहा, कंजूस है शेख है ये, इसने मम्मू को कह दिया अपने और घर में बनवा लिया है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, बस जल्दी से खा गाइस, खाना जाना खा लिया हमने आज। अब्दुल्ला बाय बाय, बाय मोज, बाय बाय, टाटा, मैं फिर बाद में आऊँगा इंशाल्लाह, फिर कटे चलेंगे। ठीक है, अभी हमने जाना अपनी गाड़ी का काम करने, उससे पहले थोड़ा पानी तो पी लें। ठीक है भैया, कल परसों फिर आऊंगा, फिर हम घूमेंगे, अभी तो मैंने काम जाना। चलो रमान साहब चलिए, इसके ना व्हील बैलेंसिंग वगैरह कराने, अलाइनमेंट कराने, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी, ये ना जंप मारी थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, मुझे किसी ने कहा इसके टायर टेढ़े हैं, लेकिन अभी उन्होंने खोला है, खोल के पता लगेगा कि टायर टेढ़े हैं नहीं है। और इनका निज़ाम बड़ा मज़े का है, इन्होंने कोई जैक शैक नहीं लगाया, इन्होंने ये शॉक्स लगाया, इसमें हवा डाली है और ये ऊपर चली गई गाड़ी ना, लिफ्ट हो गई है। और इनका नट खोलने का अंदाज ही बड़ा ज़बरदस्त है, यानी कि ड्रिल से नट खोल रहे हैं, यानी कि टाइम की इतनी बचत है इनके टाइम की। और रिम शिम का भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ, एक दिन में ना रिम का भी सोचते हैं कि रिम डलवाएँ या ना डलवाएँ, उससे पहले इसके तवे की हाल देख लेते हैं, तवे थोड़े से ख़राब हैं। इसमें ख़राब कैसे पता लगता है कि इसमें ना लाइन्स आ जाती हैं, देख ये लाइन आ जाती है, तवे थोड़े से गिर सकेंगे। बाकी ये गोडा भी मुझे लगता है कि फट गया ना इसका बूट, ये बूट इसका फटा हुआ है। सारा लोगों इससे पहले ये ज़्यादा ख़राब हो, हम इसको ठीक करवा लेते हैं, कल ठीक करवा लेंगे इसको। उसके बाद जो इनकी कंप्यूटराइज वो है अलाइनमेंट भी इनकी बड़ी जदीद किस्म की अलाइनमेंट है, हाथ ख़राब हो गए, अलाइनमेंट बड़ी ज़बरदस्त है इनकी अलाइनमेंट है, ये देखें तो पूरी अंदर जाएगी कंप्यूटराइज की। मेरे ख्याल से मुल्तान में एक ही मशीन है इस जैसी, वरना लोकल तो होंगी काफ़ी सारी होंगी, लेकिन मैं इनके अलावा ऐसे भी नहीं कराता, ये स्पेशलिस्ट हैं व्हील बैलेंसिंग के, अलाइनमेंट्स के,
सारी चीज़ों के ना स्पेशलिस्ट हैं। बाकी अभी ज़रा गाड़ी वहाँ से फ्री होकर यहाँ पर आए तो पता लगेगा कि क्या इश्यूज़ हैं। इनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले तो टायर आए हैं यहाँ पर धुले हैं, देखें फ्रेश कर दिए ना इन्होंने टायर। उसके बाद इसके अंदर से पत्थर वगैरह जो थे टायरों में फंसे हुए थे वो इन्होंने निकाले, सुएं से सारे इन्होंने ना पत्थर वगैरह निकाले। उसके बाद आ गए इस वाली मशीन के ऊपर, अब ये चेक कर रहे हैं बैलेंस वगैरह ख़राब थे। काफ़ी बैलेंस आउट है। अच्छा, ये वेट लग रहा है इसके ऊपर। अच्छा, इसको वेट बोलते हैं गाइस। और मैं दिखाना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, ये इन्होंने वेट लगा दी है, ये वेट होता है, ये लेज़र वेट है, जहाँ पे बताएगी ना। जी जी, तो लेज़र वहाँ वेट वहीं लगेगा। जी 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 जी, ये तो खैर मैंने अपने व्यूअर्स को बताया है कि मुल्तान में इससे अच्छी नहीं है, पूरे मुल्तान में इस ब्रांड में इससे अच्छी मशीन नहीं है। जी जी बिल्कुल, हंटर मेड इन यूएसए। जी 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 जी, ठीक है ना। पूरे पाकिस्तान में मैं अपनी गाड़ी का जो भी इलाज होता है वो यहीं से करवाता हूँ। मैं इनसे बड़ा मुतमईन, और आज से 3-4 साल हो गए हैं। थोड़े से कॉस्टली यानी कि थोड़े से महंगे हैं, लेकिन सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। तो ये काम मैं कहीं और से भी करवा सकता था 500,000 में, लेकिन उसका ना कोई मेयार है, ना कोई फ़ायदा है, और ना ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी इतना खूबसूरत वेट लगाया है इन्होंने, ज़रा वेट दिखाइएगा। ये देखिए वेट देख रहे हैं आप, तो हर चीज़ के निज़ाम है। इधर भी वेट लगाया है, डबल साइड भी बनी है। हाँ जी, डबल साइड यानी कि ना पूरा प्रॉपर तरीके से ये फिनिशिंग के साथ वेट लगा हुआ था। जी, जंप लगे गिर जाएगा वेट। अच्छा, ये अलॉय रिम का नहीं है, ये सादे लोहे वाले रिम का वेट है। जी जी जी, ये लगता भी नहीं है इस रिम। ठीक हो गया। तो बस ये आपको पता ही है, जब गाड़ियाँ आती हैं तो फिर लोग मेनटेन नहीं करते, लेकिन आपको तो पता है कि आपका भाई अपनी गाड़ी से कितना प्यार करता है। मेनटेन मुझे तो करना पड़ता है क्योंकि मेरा ट्रैवल तो आपको पता है कि कितने होते हैं। मुझे भी कॉल आया, मैं कहीं का कहीं चला जाता हूँ। तो भाई गाड़ी ऐसी चीज़ है कि ये यस होनी चाहिए, जैसे जैसे आपको फ्री टाइम मिले आप अपनी सवारी को अच्छा रखें। ये अच्छी बात होती है कि बंदा तंग ना हो सफ़र में। अब वो बूट आपने देखा है वो फटा हुआ, मेरे नॉलेज में आ जाए तो कल इंशाल्लाह उसका भी हम काम करवा के उसको फ्री करा देंगे। फिर अभी हमारे ट्रैवल शुरू होने वाले हैं, पूरा वीक हमारा ट्रैवल होगा इंशाल्लाह। तो बड़े बड़े मज़े के ब्लॉग आएंगे, आप लोगों ने मिस नहीं करने। उससे पहले ज़रा हमारी अनारकली रेडी हो जाए, होगी है। वो कहते हैं कि एक टायर इसका टेढ़ा है, वो फिर देखते हैं क्या करना है, या तो फिर पूरा का पूरा फटने या डलवा लेंगे। वो दो तीन भाई हैं हमारे, फ़ैन हैं, प्यारे प्यारे भाई हैं। क्या क्या नाम है उनके? सजाद अफजल भाई, लव यू मेरी जान, मेरे जिगर के टोटे, थैंक यू सो मच, लव यू प्यार करने के लिए। सईद मुतलिब तोंसा, सईद भाई लव यू, सईद भाई तोंसा वालों, तोंसा तो वैसे बड़ा मेरा प्यार है। और नवीद संजरानी साहब सोदिया वालों, अल्लाह वालों, दुआ करना हमारे लिए सरकार, बहुत मेहरबानी यार, आप लोग इतना प्यार करते हैं। बाकी काफ़ी लोग कल रात हुए हैं, मैंने वेले मुंडे के बारे में बात की है। यार देखो कि ना जब उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है तो फिर मुझे वो डिग्रेड क्यों कर रहा है, बंदे की ना बेइज्जती फील होती है। जब आपका मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई मामला नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, फिर मेरे बारे में बात क्यों करनी, ना किया करें प्लीज़ यार। कोई भी भाई मेरे बारे में बात ना किया अगर मुझे अच्छा फील नहीं होता, तो मैं भूलना चाहता हूँ, वो फिर मुझे याद करा देता है। तो बाहर चलते हैं सीधा शोरूम पर, इंशाल्लाह न्यू स्टॉक देखते चले आप लोग भी। सिविक, रिबॉन, हसलर्स, नाटा, क्या हाल है? कल ठीक है। आज का डिस्प्ले ये लगा हुआ है, और ऑल्टिस 1.6 है, अप्लाइड 4 है, 22 मॉडल है, बेज इंटीरियर है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। मीटर उसका वो वाला दरवाज़ा खोलेंगे तो पता लगेगा गाड़ी का, ओह खुशबू आ रही है कसम से, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। ये 1.6 होती है और 1600 इंजन होता है इसका। बाकी ये सादी गाड़ी होती है, जैसे GLI होती है ना, ऑटोमेटिक GLI, तो वैसे ही होती है, पर ऑटोमेटिक GLI 1300 cc होती है, और ये जो 1.6 ऑल्टिस होती है ये 1600 cc होती है। इसमें यही डिफरेंस है, बाकी इसके अंदर कोई इतना कोई खास चीज़ नहीं है GLI और ऑल्टिस में। गारंटी में डिफरेंस आता है, सनरूफ आता है, पेडल शिफ्टर आता है, 1800 इंजन आता है इसमें, और GLI में मेरा ख्याल है कि सिर्फ इंजन का ही फ़र्क है, बकाया सादी सादी गाड़ी है। लेकिन ठीक है, GLI से अच्छी है, पिकशिक अच्छा है, एवरेज वगैरह अच्छी है, एयरबैग्स के ऑप्शन है। GLI में मेरे ख्याल एयरबैग नहीं आते, इसमें एयरबैग आ जाते हैं। बाकी GLI तो खैर बंद हो गई थी। गाड़ी प्यारी है, नीट एंड क्लीन है, 22 मॉडल है, ब्लैक कलर है, सुपर ब्लैक। देखते चले आप, वॉक अराउंड मैंने कहा आपको करा दूं। चलते हैं अंदर ऑफिस में, बैठते हैं थोड़ी देर, चाय पी लें। बाकी आप लोग बताया करें कमेंट्स में किस गाड़ी का रिव्यू करके बताएं आप लोगों के लिए। जी तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। लव यू ऑल फ्रेंड्स, ऑल फैंस लव यू।